गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के प्रति सरकार की जागरूकता अभियान पर कहा है कि गांधीवादी तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं सरकार के एक साल पूरे होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शिवराज सरकार का एक साल बेमिसाल रहा है। विपरीत परिस्थितियों में बीजेपी ने प्रदेश को संभाला था, काफी चुनौती थी लेकिन सबने मिलकर उनका सम्मान किया। वहीं कमलनाथ का नाम पश्चिम बंगाल के स्टार प्रचारक सूची से गायब होने पर गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ बुजुर्ग नेता हो गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के किसी भी नेता को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। कोरोना सच में बहुत तेजी से, खासकर उन जगहों पर जहां पहले वो की भयावहता थी वहां बैठ कर हो रहा है। उनमें से भोपाल और इंदौर दो है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जगह भी उसकी रफ्तार काफी तेज है। महाराष्ट्र से सटे जिले जो हैं, उन महाराष्ट्र से सटे जिलों में भी प्रिकॉशन यूज किया है। अब इस समय मूल बात जन जागरण की है, जो आज मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, सायरन बजा के अलर्ट करना है। कोरोना काल में सरकार आई, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी एक साल बेमिसाल रहा। ये साल बेमिसाल गरीबों की दृष्टि से था, रोजगार की दृष्टि से था, नौजवान की दृष्टि से था और महिलाओं की दृष्टि से। कोरोना की चुनौती को अवसर में बदला प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, और आज आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ क्या, हजारों करोड़ क्या रुपया किसानों के खाते में सीधा इस साल के अंदर गया, लोगों के खाते में, हितग्राहियों के खाते में, गरीबों के खाते में गया। इसलिए सफलतम एक साल है जिसे मैंने एक साल बेमिसाल कहा। कमलनाथ जी अब वयोवृद्ध हो गए हैं, सुख गए हैं, और राहुल बाबा जो हैं वो पहले भी उनसे कई बार, जब महिलाओं के ऊपर उनकी टिप्पणी आई थी, या अभी अभी लेटेस्ट जो गौर से भक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल किया था, तब से केंद्र सरकार के, केंद्र की कांग्रेस पार्टी AICC का मानना है। और दूसरा, कमलनाथ जी क्यों कहें हम, आप मध्य प्रदेश कांग्रेस की कंगाली देखिए कि मध्य प्रदेश से किसी नेता का नाम नहीं है, तो अकेले कमलनाथ जी नहीं चुके हैं, पूरी कांग्रेस चुक चुकी है मध्य प्रदेश में।